Today we are going to read subject English standard 5th lesson number 12. जो हमारा lesson number 12 है वो है the talkative barber. Now I am going to teach this lesson to you and explain it to you. In the city of Kashnagar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head, the barber had started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. एक सिटी था जो कैशनगर, उसमें एक बारबर था जो बहुत ही बातूनी था, टॉकेटिव मींस बातूनी. एक बार सुल्तान ने उसे बुलाया अपना हेड सेव करने के लिए, लेकिन वो सेविंग की जगह सेविंग करने की बजाय बातें पे ही लग गया, बातें ही करने लगा. When are you going to stop talking and begin to do your work? फिर सुल्तान कहते हैं कि भाई अब आप कब चुप हो गए और अपना काम शुरू करोगे. The barber replied, you do me an injury by calling me a chatter. For everyone say I am very quiet. बार्बर क्या कहता है, आपने मुझे इंजरी पहुंचा दी है ऐसा कहकर कि मैं चैटर हूँ. चैटर मीन्स बातूनी हूँ. मुझे सभी कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत हूँ. I have six brothers whom you might call chatterers. मेरे छह भाई हैं जिन्हें आप बातूनी कह सकते हैं. Their name are backbone, ब्रैकेट में लिखा है बकबा, बकबरा, बकबुरिया, ये ब्रैकेट में लिखा है. फिर बैक बैक, बकबक, ये वर्ड भी ब्रैकेट में लिखा है, मतलब डबल डबल नेम लिखे हैं. यू कैन सी इस तरह से काउंट्स में लिखा हुआ है, राइट. नाउ अलकाउस, उल्कूस, एलन, एलनची, उल नशी एंड एकदम अजीब से ऊट पटांग नाम है शकाबक. वन इज हम्बैक, एक का जिसको हम्बैक मींस जिसकी कूप बोलते हैं ना, जैसे ऊट के ऊपर भी हम होती है ऐसे ही किसी किसी व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम होता है, किसी इंसान में भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उसे हिंदी में हम लोग कूप कहते हैं. एक का जो बैक है उस पे हम्प है. वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा ब्लाइंड है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा ही ब्लाइंड है, मींस अंधा है. वन इज डीफ एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. एक बहरा है डीफ और एक को क्या है कि भाई उसे बोलने में तकलीफ होती है, या तो उसे हम हकलाना भी कह सकते हैं हिंदी में. बहरा का मीनिंग या डीफ है ऊंचा सुनना भी हो सकता है, मतलब थोड़ा नहीं कम सुनने वाला भी, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज हो जाता है. और डीफ मीन्स तो होता ही है कि बहरा, राइट. यहाँ पे बताया है कि भाई जो दूसरा है वो हकला है. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेलिंग विथ वर्ड्स. मैं अपने जो फैमिली है उसमें सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत ही शांत हूँ. गिव हिम थ्री पीसेस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राई, लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे. आई विल नॉट बी सेव टूडे. सुल्तान ने अपनी पेशेंस लूज कर दिया, धीरज खो दिया और कहा इन्हें तीन सोने के सिक्के दे दो और इन्हें भेज दो, मुझे आज सेव नहीं करना. My master cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you. My master, mere malik, jab barber ko bol diya sultan ne ise nikal do teen sone ki ginniyan deke, to phir wo kya kehta hai, are mere malik wo main nahi tha.
बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अब मेरा मतलब जो आपको हेड सेविंग करने का जो उसको काम दे रखा था, बोले आप उसे जल्दी से जल्दी करो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर को बाहर जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने ऐसा कहा। व्हेन ही सो दैट द सुल्तान वाज रियली एंग्री विद हिम, द बार्बर सेड, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री। जब उसने देखा कि अरे सुल्तान तो मेरे पे बहुत ही नाराज हो गए हैं, तो बार्बर कहता है अरे मालिक इतना नाराज मत होइए, आई विल बिगिन टू सेव यू। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू सेव, ऐसा कह के कि भाई मैं आपका जल्दी सेविंग कर देता हूँ, ऐसा कह के उन्होंने जो सिर था वो उसका धोया, मतलब बाल धोए सुल्तान के और सेविंग स्टार्ट कर दी बार्बर ने। बट ही हैड नॉट टच हिम इवन फोर टाइम्स विद द रेजर, उन्होंने अभी तो चार बार भी रेजर उनके सिर पे नहीं लगाया था। व्हेन ही स्टॉप एंड सेड, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर, गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर ऑर्डर द सुल्तान। फिर वो बात करने लग जाता है और फिर सुल्तान उसको कहते हैं कि भाई आप अपना काम शुरू करो, ऑर्डर दे देते हैं सुल्तान। फिर बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर कहता है धीरज रखिए, परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू वेर गोइंग टू डू, आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माय ओपिनियन ऑन इट। आप धीरज रखिए, आप मुझे बताइए, बार्बर कह रहा है मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है या आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ या अपनी राय देता हूँ, हिंदी में हम राय कहते हैं। फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान ने कहा फटाफट सेविंग करो, बट मतलब फटाफट फिनिश करो सेविंग को। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ये करने की बजाय द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, माय पेशेंट इज एक्सॉर्ड द सुल्तान क्राइड। ये करने की बजाय मतलब सेविंग करने की बजाय बार्बर ने क्या करा, हाफ शेव करके सुल्तान को छोड़ा और टाइम देखते चला गया कि भाई क्या समय हो रहा है। और ये देखकर माय पेशेंस इज एक्सोर्ड द सुल्तान क्राइड, फिर सुल्तान पेशेंस छोड़ देते हैं, धीरज छोड़ देते हैं और चिल्लाते हैं कि अब भाई मेरा धीरज खो गया है। बी कम माय मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान। शांत हो जाइए मेरे मालिक, आपका मतलब मैं सेविंग फटाफट थोड़ी मोमेंट में खत्म कर दूंगा, ऐसा क्योंकि वो शुरू उसका सेविंग स्टार्ट करता है बार-बार सुल्तान का। बट व्हाइल ही वाज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस। वो सेविंग कर तो रहा था लेकिन उसने वो स्टॉप नहीं करा बोलना, पूछना कि भाई आपका इम्पोर्टेंट काम क्या है, आप मुझे तो बताइए, क्योंकि वो उसके बारे में बात करना चाहता था। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, इसे मैं आपको ऐसे एडवाइस करूँगा तो आपको वो यूजफुल होगी, ऐसा बार-बार कहता है। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, अब जो सुल्तान थे वो कम्प्लीटली फेड अप हो चुके थे इनकी बातों से और उन्होंने सोचा चलो अब इस बार्बर को सेटिस्फाइड कर देते हैं। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, विच वॉज व्हाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, उन्होंने बताया कि मुझे दोपहर को अपने कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट मतलब दावत खाने के लिए जो हम बुलाते हैं ना, तो खाने का नोटा दे रखा होगा उन्होंने और कहा कि भाई मैंने दावत पे अपने फ्रेंड्स को बुलाया है और इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी है।
इट इज इनफ फॉर माई फाइव फ्रेंड्स, आप मुझे वो फूड बता दीजिए ताकि मैं जज करूं कि मेरे वो फाइव फ्रेंड्स के लिए पूरा होगा कि नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम, बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। सुल्तान ने क्या कहा कि भाई मेरे पास पूरा इनफ फूड है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि सारा फूड यहाँ पे ले आओ जो भी फीस्ट के लिए रेडी हुआ है। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड बट आई स्टिल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट आल्सो। बार्बर ने देखा सभी खाना जो भी पड़ा था वो बहुत अच्छा है ऐसा कहा, लेकिन मुझे कुछ फ्रूट्स चाहिए जो डेजर्ट के लिए, डेजर्ट हम लोग लेते हैं स्वीट्स जैसे हम लोग लास्ट में लेते हैं, क्योंकि वो बार्बर भी ऐसा कहता है सुल्तान से कि भाई मुझे डेजर्ट के लिए कुछ फ्रूट्स चाहिए। द सुल्तान इन डिप्रेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ सेव, सुल्तान डिप्रेशन में आ गया कि भाई अभी तो मेरा आधा सिर ही उसने सेव किया है। ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, उन्होंने फ्रूट्स का भी ऑर्डर दे दिया वो भी वहां पे मंगा लिए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, दिस टू अब हाफ एन आवर। अब बार्बर ने क्या करा, जो हाफ सेव करी हुई थी ना सुल्तान की वो वैसे ही छोड़ दी और खाने को पूरा एग्जामिन करने लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इंपेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी एट लेंथ। उसमें क्या हुआ, लास्ट में जब देखा कि भाई सुल्तान फिर थोड़ा नाराज होने लगे कि बार्बर तो आधा घंटे से खाने को एग्जामिन कर रहा है और मेरा सिर्फ हाफ सेव अभी किया ही, हाफ हैंड छोड़ रखा है उसने सेव करके, तो उन्होंने अपना पैर थोड़ा जैसे नहीं अपने जोर से चिढ़ जाते तो पैर स्टैंप करते हैं इस तरह से रूढ़ ली, उन्होंने थोड़ा ऐसे अपना पैर थपकाया और कहा देखा, लेकिन बार्बर को उसकी कोई इफेक्ट नहीं, उसको कोई जल्दी नहीं थी। हाउएवर ही बिगेन टू कप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड कैट आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। वो थोड़ा करने लगा सेव और उसके थोड़े ही मिनटों में उन्होंने वो काम छोड़ दिया और कहा कि आई नेवर न्यू, मैं नहीं जानता था दैट यू वर सो जेनरस, आप इतने उदार हैं। तो स्टूडेंट्स द टॉकेटिव बार्बर लेसन नंबर 12 आज मैंने आपको पूरा ये रीड करके बता दिया, ठीक है। अब मैं आपकी जो वर्कबुक है वो ले आती हूँ और उसकी एक्सरसाइज एक बार आपको समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स लेसन इतना लंबा था लगभग 3 पेजेस का, तो देयर इज नो नीड टू रीड द समरी एंड एक्सप्लेन बिकॉज पूरा का पूरा लेसन आपने समझ लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द वोकैबुलरी और यू कैन से द न्यू वर्ड राइट। चैटर समवन हु टॉक्स अ लॉट, डिफेक्ट अ फॉल्ट, ओपिनियन व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंग और सब्जेक्ट, ओपिनियन मतलब अपनी राय देना, एक्सॉर्ब एक्सॉर्टेड टायर्ड एंड फेड, एग्जॉस्ट हो गया था ना राजा जब उसकी बातों से इतना फेडअप हो गया था तब लग गया था, तो वो वर्ड ये एग्जॉस्ट टायर्ड थक जाना फेडअप हो जाना। डेजर्ट अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, पूरा खाना खाने के बाद में तो मीठा सर्व किया जाता है उसे डेजर्ट कहते हैं। एग्जामिन टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, कुछ बहुत केयरफुली देखना एग्जामिन उसे कहते हैं राइट। एट लेंथ एट अ स्ट्रेंथ क्राइड टू सी समथिंग सडनली एंड लाउडली, क्राइड मीन्स कुछ अचानक से और जोर से कहना राइट। नाउ योर एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर हैज बीन टेकन फ्रॉम, योर आंसर इज अरेबियन नाइट, थोड़ा जल्दी है हमें, मैं ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा हरी में बता देती हूँ, लेसन इतना लेते थे ना स्टूडेंट्स, तो जस्ट मैं आंसर आपको बता देती हूँ टिक कर रहे हैं जो हमने, द स्टोरी ऑफ द टॉकेटिव बार्बर हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, दैट इज अरेबियन नाइट, द बार्बर वॉज वेरी टॉकेटिव, आंसर इज टॉकेटिव, सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज
द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच गेज इंडिविजुअली. यू विल गेट द फोटोकॉपी ऑफ दिस एज सून एज पॉसिबल और आई होप टूडे ऑनली. Now this is fill in the blanks. Answers are over here. Just answer तो ऊपर लिखे दिए हैं. उनमें से हमको जो यहाँ पे particular suitable words था वो लेके यहाँ पे हमने लिख दिए. Now true and false. True and false. The barber was shaving the sultan's beard. तो true है कि false है? नहीं, वो head से करने क्या था, तो ये है false. इसी तरह से मैंने यहाँ पे पूरे आपको true and false लिख दिए students. The sultan gave him 3 gold coins. True. The barber refused to leave the sultan's palace. True. There were 7 brothers all together in the sultan's family. True. The barber started his work immediately. False. The king was very pleased with him. False. The king decided not to save that day. True. Now who said this word? ये word किसने कहा है? तो यहाँ हमने उसके आंसर लिख दिए हैं. First है barber, second है sultan, third one कहा है वो barber ने कहा है, fourth sultan ने कहा है. इसी तरह से जो question answer है students पूरे करके एक बार में question answer तो आपको मैं read करके बता देती हूँ. How many brothers did the barber have? Barber के कितने brothers थे? The barber had 6 brothers. Why was the sultan in a hurry? Sultan जल्दी में क्यों था? Sultan was giving a feast to some friends at noon, so he was in a hurry to leave. उन्होंने दावत दी थी अपने दोस्तों को दोपहर को, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी में थे. Why did the barber take so long to save the sultan? The barber was very talkative and narrated stories after stories, so he took so long to save the sultan. Why did the barber want a lot of food? क्यों ज़्यादा चाहिए था food barber को? Because the barber also invited his 5 friends for the feast, so he wanted a lot of food. What are the things the sultan gave to the barber? The sultan gave gold coins, lots of foods, and some fruits to the barber. You can see this. Patient,
house till I had saved you. While he was saving me, he could not stop talking. Now use the joining words given in the box to fill in the blanks. यहाँ पे क्या है जो वर्ड्स हमें आंसर बॉक्स में दिए हैं ना, these all are joining words. Okay, जो दो वर्ड्स को join करते हैं, if or till, where, unless, so or while. So please wait with me till the bus arrives. मेरे लिए तब तक आप इंतजार करिए जब तक बस नहीं आ जाती. Do you like football or cricket? क्या आप फुटबॉल पसंद करते हैं या क्रिकेट? My father packed my lunch. मेरे फादर ने मेरा लंच पैक कर दिया. While my mother combed my hair. जब मेरी मम्मी मेरे बाल बना रही थी. We will reach on time if we go by the car. हम समय से पहुंच जाएंगे अगर हम कार से जाएंगे तो. Your speech cannot be heard by the audience. So you use a powerful mic. आपका जो स्पीच है वो ऑडियंस नहीं सुन पा रही है तो आप Till then.